नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। इस बार मानसून ने ऐसी दरियादिली दिखाई कि अब वो देश के कई हिस्सों पर भारी पड़ने लगी है। शुक्रवार को इसकी चपेट में मुंबई आ गई और मुंबई में इतनी बारिश कि पूरा शहर समंदर या समंदर में समाया, पूरा शहर जैसा लगने लगा। लोकल ट्रेन ठप पड़ गई, सड़कों पर चलना दुभर हो गया, पुराने मकानों पर गिरने का खतरा मंडराने लगा, यहां तक कि हवाई अड्डा भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। जब भी ऐसी बारिश होती है तो मुंबई डर जाती है। उससे 10 साल पहले की वो डरावनी तस्वीर दिखने लगती है जिसमें मुंबई कई दिनों तक वाटर कर्फ्यू का शिकार थी। इसीलिए ये तस्वीरें डरा रही हैं कि कहीं मुंबई में फिर से कुदरत का रेड सिग्नल ना हो जाए। मुंबई की लोकल को वहां की लाइफलाइन कहते हैं, लेकिन वो लाइफलाइन आज खुद अपने लिए जिंदगी तलाश रही है। आसमानी आफत के कहर से इस बार सबसे ज्यादा बेहाल तो लोकल ही है। ये तस्वीरें सायन स्टेशन की हैं। रेलवे ट्रैक पूरी तरह पानी में डूबे हैं। पानी इतना भर गया है कि ट्रेन के पहिए तक नहीं दिख रहे। ट्रैक पर उभरा पानी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने को मचल रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सेंट्रल लाइन का अभी हो रहा है वो सायन और माटुंगा स्टेशन के बीच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक पे जो है वो पानी जमा है, जिस वजह से ट्रेन जो है वो धीमी चल रही है। एक मुसाफिर के इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलवे ट्रैक पर पानी किस तेजी से बह रहा है। समूचे रेलवे ट्रैक तक मानो समंदर का विस्तार हो गया है। स्टेशन पर इस आलम से बेहाल लोग स्टेशन से पहले ही रेलवे ट्रैक पर उतरकर चलने लगे। जमीन के जल जमाव से तो ये लोग बच गए, लेकिन आसमानी बारिश का खतरा फिर भी है। इसीलिए सबके हाथ में छतरी भी है। पानी भरने का ये आलम रेलवे ट्रैक से सड़क तक एक सा ही है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में इस कदर जोरदार बारिश हुई है कि इस वक्त हिंदमाता, जहां हमेशा महाराष्ट्र सरकार कहती है कि कभी पानी नहीं भरेगा, हमने इतना वाटर पंप्स लगा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर आपको दिख रही है कि हमेशा की तरह हिंदमाता पूरी तरह डूब चुका है। एक तरफ का जो रास्ता है पूरी तरह बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही रोड इस वक्त शुरू है, जहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक भी जिस तरह से, जिस गति से चल रही है, बड़ी मुश्किल हो रही है इनको इस पानी से गुजरने में, क्योंकि हमेशा ऐसी बारिश में जहां पानी भर जाता है तो वाहन खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बीएमसी के कर्मचारियों को जगह जगह पर रखा गया है कि काफ़ी मैन होल्स होते हैं, तो कोई भी आम आदमी यदि इस पानी से गुजर रहा तो कहीं अंदर मैन होल में चला ना जाए, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है उनको। तो इस तरह बीएमसी के कर्मचारियों ने यहाँ अपने लोगों को लगा रखा है। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा है। फ्लाईओवर के नीचे तो सैलाब जैसा नजारा हो गया है। मुंबई में ये आलम शुक्रवार सुबह से शुरू हुई बारिश ने पैदा किया है। सड़क पर डिवाइडर तक डूबे हैं, तो गाड़ियां ऐसे चल रही हैं मानो पानी में तैर रही हैं। भारी बारिश की वजह से अंधेरी, कुरला, सायन, हिंदमाता, लालबाग और एलिफिस्टन पूरी तरह से पानी से सराबोर हो गया है। बारिश और जलजमाव की वजह से कई इलाकों में भारी जाम लग गया। सड़कों पर गाड़ियां सरक सरक कर चलने लगी। लोग अलग अलग स्टेशनों पर फंसे नजर आए। कुछ स्थानों पर तो प्लेटफॉर्म तक पानी आ गया। बारिश की वजह से सीएसटी से कल्याण की ओर जाने वाली ट्रेनों की गति भी धीमी हो गई। सेंट्रल और हार्बर लाइनों पर लोकल ट्रेनों में सवार लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से मुंबई में फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। ज्यादातर उड़ानें आधे घंटे देर से संचालित हुई। वहीं बारिश को देखते हुए स्कूलों के साथ साथ कई दफ्तरों में दोपहर में ही छुट्टी कर दी गई।
दोपहर करीब 2 बजे आए हाई टाइड की वजह से भी मुंबईकरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हाई टाइड से बारिश का पानी समंदर में जाने के बजाय वापस शहर की ओर आने लगा, लिहाजा शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। हम इस वक्त हैं मुंबई के मरीन ड्राइव पर। तेज हवाओं के बीच तेज समुद्र में उफान भी उठ रहा है, इस वजह से यहाँ ऊंची ऊंची लहरें दिख रही हैं। इसी का मजा लेने के लिए, इसी को एंजॉय करने के लिए मुंबई वासी समुद्र किनारे आते हैं, लेकिन ये वही समय होता है जब समुद्र वो सारा कचरा जो मुंबई वासी समुद्र में डालते हैं वो सारा कचरा वापस समुद्र फेंक देता है। और यही वजह है कि आप मेरे पीछे इतना कचरा देख सकते हैं। हालांकि बीएमसी के कर्मचारी इसे साफ करने में लगे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि कचरा तब तक आता रहेगा जब तक समुद्र में उफान उठता रहेगा। हालांकि शाम तक समंदर का ज्वार उतर गया, लेकिन शहर पर खराब मौसम का बुखार चढ़ चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटे मुंबई पर भारी हैं। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में भारी बारिश के अनुमान हैं। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ेंगी। विद्या और मयूरेश गणपति के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक। जैसा मुंबई का हाल, उससे कहीं ज्यादा बुरा और खतरनाक हाल तो महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाकों का है। रायगढ़ में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, और दूसरी तरफ औरंगाबाद से नासिक तक गोदावरी ने यमराज सरीखा रूप धारण कर लिया है। राहत दल की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। जी, सिर्फ कोशिशें। आसमान से सैलाब बरसा तो सब कुछ डूब गया, गांव घर डूब गए, खेत खलिहान डूब गए, मंदिर मस्जिद डूब गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की ये तस्वीरें हैं। ऐसा लगता है मानो समंदर ने अपनी चादर पूरे जिले पर डाल दी हो। चारों तरफ से बाढ़ में घिरे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, बचें तो कैसे बचें। तब उन्हें बस एनडीआरएफ का ही सहारा है, जो जैसे तैसे पीड़ितों को निकाल रहे हैं। थोड़ा जल्दी लिखाओ बोर्ड को, मार्केट वाली बोर्ड खराब होगी। एक तो बारिश, ऊपर से जायकवाड़ी बांध से छोड़ा जा रहा पानी, कंगाली में आटा गीला इसी को कहते हैं। लगातार बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। आलम यह है कि गोदावरी का पानी औरंगाबाद जिले के कई गांवों में भर चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लोगों के पास अपना आशियाना छोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। एनडीआरएफ की टीम ने बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर चला रखा है। शुक्रवार को ही जिले के 355 परिवारों के 1600 लोगों को बचाया गया। औरंगाबाद जिले के विजापुर तहसील के 9 गांव, जबकि गंगापुर तहसील के 3 गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। एनडीआरएफ की कोशिश है कि हर हाल में हर जान बचाई जाए। सुबह 6:30 बजे चलो हमारा ऑपरेशन, और इसमें हम लोग तकरीबन 3 बोट हमारी इस्तेमाल की जा रही है, और हर बोट में 5 आदमी हमारे जवान रेस्क्यू बैठे हैं, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा, परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा, बढ़िया काम कर रहे हैं और किसी को तकलीफ नहीं हो रही। गोदावरी की मार औरंगाबाद पर पड़ी तो नासिक पर भी पड़ी। नासिक में फिलहाल तो हालात काबू में दिखते, लेकिन बारिश और बाढ़ का असर इस मंजर के रूप में दिखने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोदावरी का उफान कम नहीं हुआ है, और यहाँ भी एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हैं। रायगढ़ में भी बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। वहां घनघोर बारिश से यह 88 साल पुराना पुल टूट गया, जिसे प्रशासन कुदरत का कहर बताकर अपनी खाल बचा रहा है। वहां 2 दिन से लगातार शवों की तलाश होती आ रही है। अब तक 22 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन लगातार बारिश की वजह से मुश्किलें आ रही हैं। मुंबई से लेकर समूचे महाराष्ट्र में इंद्र देवता का कोप जारी है। ये जितनी जल्द हटे उतनी जल्द राहत मिलेगी। आज तक ब्यूरो,
और मुंबई और महाराष्ट्र बाढ़ से बेहाल, तो संक्रमक रोगों की तरह यह कहर गुजरात में भी आ गया है। और दूसरी तरफ जिस राजस्थान की पहचान रेगिस्तान से है, वहां रेत पर सैलाब उफन रहा है। और ऐसा वैसा नहीं, राजस्थान के कई रेगिस्तानी जिलों में इतनी जबरदस्त बरसात कि लोग शायद भूल भी जाएं कभी यहां पर गर्मियां थी, कभी यहां बालू उड़ा करते थे। लेकिन यह बारिश खुशियों से ज्यादा तबाही की शक्ल ले चुकी है। उदयपुर में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, धौलपुर में बाढ़ के खिलाफ आक्रोश, बीकानेर में अदालत भी पानी पानी, झालावाड़ में सड़क बन गई नदी। जिस राजस्थान की पहचान रेत और रेगिस्तान से है, वहां आज बाढ़ और बारिश ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये तस्वीरें झीलों के शहर उदयपुर की है, जहां बाढ़ में लोग बहने लगे। उनमें ही तीन लोगों को बचाने की कोशिश हुई। आप देख रहे हैं कि जैसे तैसे रस्सियों के सहारे लोगों की जान बचाने की जद्दोजहद हो रही है। उदयपुर के खाखड़ा गांव में अचानक बाढ़ आने से पुलिया पार कर रही एक कार बह गई। कार में तीन लोग सवार थे। कार जब पानी में डूबने लगी तो गांव वालों ने हिम्मत और सतर्कता दिखाई। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत से डूबती कार से तीनों लोगों को रस्सियों के सहारे बचाया गया। तेज बहाव के चलते कार नदी में 1 किलोमीटर तक बहने के बाद एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी। लोग पस्त हो और प्रशासन सुस्त और मस्त हो तो लोगों का गुस्सा ऐसे ही फूटता है। धौलपुर में जब बाढ़ से परेशान लोगों की किसी ने सुध नहीं ली तो पानी में खड़े होकर लोग प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मूसलाधार बारिश के बाद धौलपुर का घुघरई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। खेतों में फसलें चौपट हो चुकी है। हमारे गांव की करीब 600 बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी है, जिसमें बाजरा है, तिली है, उर्दमुख जो भी कुछ है, 600 बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी है। इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा, क्यों? प्रशासन को हमने सबसे पहले आगाह किया था। पूरे गांव में पानी भर गया है, पूरा गांव नष्ट हो गया है। बाजरा, गेहूँ, बाजरा, तिली फिली सब नष्ट हो गई है। और भूसकूफ चारा नहीं रहा है, भैंसों के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राजस्थान के झालावाड़ में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफन रहे हैं। जिले के पिडावा तहसील में पिछले 3 दिनों से लगातार बरसात से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। उधर गुजरात में इस बार मानसून ने गुस्सा तो नहीं दिखाया, लेकिन गुरुवार की देर रात हुई बारिश से अहमदाबाद के कई इलाके पानी पानी हो गए। अहमदाबाद के अमराईवाड़ी, हाटकेश्वर, दानी लिमडा, खोखरा और रखियाल जैसे इलाकों में 2 फीट तक पानी भर गया। भारी बारिश के चलते साबरमती नदी पर बने वासना बैराज के 8 दरवाजे खोल दिए गए। अभी खतरा सौराष्ट्र पर भी है, जहां भयंकर बारिश का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। सौराष्ट्र का कच्छ और कोकण गोवा, यहां भी बहुत अच्छी बरसात होगी और इन्हीं जगह में कुछ जगह में भारी से बहुत भारी बरसात भी 1-2 जगह में देखने को मिलेगी। बाढ़ और मुश्किल हालात के बीच लोग सतर्क तो हो गए हैं, लेकिन उन्हें दरकार प्रशासन से भरपूर मदद की है। तो मुंबई बारिश से बेहाल और इस बेहाली के डर का बादल अब दिल्ली पर मंडरा रहा है। मंडरा ही नहीं रहा, बल्कि मौसम विभाग तो अनुमान लगा रहा है कि कल से शायद भयंकर बारिश शुरू हो जाए तो क्या होगा। इस बारिश का मजा और सजा को अभी तो आप भूले नहीं होंगे और गुड़गांव के इस जाम को तो हरगिज नहीं, लेकिन सावधान हो जाइए क्योंकि दिल्ली पर एक बार फिर मानसून का कहर टूटने वाला है। रविवार से भयंकर बारिश का दौर शुरू होने की आशंका है। 8, 9 और 10 तारीख को के दौरान दिल्ली एनसीआर में कई जगह पे, बहुत सारी जगहों में बारिश होगी। एक आधा स्थान पे हैवी रेनफॉल, जो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा, जिसका ये आंकड़े हैं, 7 से ज्यादा होने की संभावना है। तो बस 24 घंटे में ही राजधानी को मानसून की झमाझम में भीगते हुए देखिए। 7 और 8 तारीख को काफी अच्छी बारिश उत्तर भारत के तमाम इलाकों में देखी जाएगी। मौसम विभाग का कहना है दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में अगले 7 दिनों तक बादलों की आवाजाही के साथ रिमझिम फुहारें पड़ती रहेंगी। कैमरामैन जैनेन्द्र के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।